एक होती है सरफेस कोस्टल सरफेस, दूसरी होती है उसकी विसरल सरफेस। ये इसकी कोस्टल सरफेस है क्योंकि इसके ऊपर रिब्स अटैच होती है, इसलिए हम इसको कोस्टल सरफेस कहते हैं। और ये इसकी विसरल सरफेस है, और इस तरफ इसके आपको विसरल ऑर्गन्स मिलेंगे हार्ट, और साथ में आपको विसरल सरफेस पे आपको हाइलस भी नजर आएगा जहां से ट्रेकिया एसोफेगस वगैरह ये सारे आ रहे होते हैं, और आपके ब्रोंकाई भी यही सेंटर होते हैं विसरल सरफेस पे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का भी इंट्रेंस और एग्जिट यही सेंटर है। इसको डिवाइड कर रहा है फिशर, एक डीप फिशर लेफ्ट लंग को दो इसमें डिवाइड कर रहा है। इस लोब को हम बोलते हैं एपिकल लोब, और इस लोब को हम बोलते हैं डायाफ्रामेटिक लोब। ठीक है, इसको बेजल लोब भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये एपिकल के अपोजिट है, तो इसको आप बेजल लोब भी कह सकते हैं। एपिकल अपर पार्ट है इसलिए हम इसको एपिकल कहते हैं, तो ये बेजल होगा। डायाफ्रामेटिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरफ हमें डायाफ्राम मिलता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डायाफ्राम मसल होता है जो थोरासिक कैविटी को अलग करता है एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, ये लिवर वगैरह ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन लंग्स और ये हार्ट ये क्या होते हैं, थोरासिक कैविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे डायाफ्राम मसल होता है जो अलग करता है थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। तो डायाफ्राम की तरफ है ये लोब, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डायाफ्रामेटिक लोब। या इस लोब को आप क्रेनियल लोब भी कह सकते हो, कार्डल लोब भी कह सकते हो। क्रेनियल क्यों कहोगे, क्योंकि ये टुवर्ड हेड, और कार्डल क्यों कहोगे, क्योंकि ये टुवर्ड टेल। ठीक है, लेकिन आप डिफरेंट बुक्स में इनके डिफरेंट नेम है, लेकिन आप इसको एपिकल और डायाफ्रामेटिक लोब के तौर पे इसको याद करूंगा। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर रहा है दो इशू में एक डीप फिशर। ठीक है, फिर आप अगर लेफ्ट लोब को देखोगे मजीद दो इशू में डिवाइड, इसको एक हाफ फिशर दो इशू में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हाफ फिशर इसको दो इशू में डिवाइड कर रहा है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रेनियल पार्ट ऑफ लेफ्ट एपिकल लोब। क्या बोलते हैं, क्रेनियल पार्ट ऑफ लेफ्ट एपिकल लोब, क्योंकि ये पार्ट इसका क्रेनियल ही लोकेट है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्रेनियल पार्ट। और लेफ्ट एपिकल लोब क्यों कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट एपिकल लोब का पार्ट है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डल पार्ट ऑफ लेफ्ट एपिकल लोब। ठीक है, ये क्रेनियल हो गया तो ये कार्डल हो गया। ठीक है, अब हम इसके राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे आप जाएंगे तो आपको एक और डीप फिशर मिलेगा जो इसको मजीद दो इशू में डिवाइड कर रहा है। ये इसका राइट एपिकल लोब कहलाएगा, और ये इसका राइट डायाफ्रामेटिक लोब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राइट डायाफ्रामेटिक लोब, और ये इसका राइट एपिकल लोब। इनके दरमियान आपको ये लोब मिलेगा, इस लोब को हम बोलते हैं मिडल लोब। ठीक है, मिडल लोब भी बोलते हैं, या कार्डियक लोब। क्यों कार्डियक लोब इसलिए कहते हैं कि ये हार्ट के डोर्सली लोकेट। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियक लोब। फिर आप अगर राइट डायाफ्रामेटिक लोब को अपवर्ड करोगे तो आपको इसके बीनीथ इसके नीचे आपको मिलेगा एसेसरी लोब। इसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी लोब बोलते हैं। तो आप अगर देखेंगे आपको लेफ्ट लंग में सिर्फ दो लोब्स मिलेंगे, लेफ्ट एपिकल लोब और लेफ्ट डायाफ्रामेटिक लोब, लेकिन राइट पे आपको राइट एपिकल लोब, राइट मिडल लोब, राइट डायाफ्रामेटिक लोब और एसेसरी लोब, ये चार मिले। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें मिडल लोब है, तो ये इक्वाइन का नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वाइन में मिडल लोब नहीं होता। ठीक है, लेकिन अब आपने पहचाना है कि ये डॉग का है या रूमिनेंट्स का है, क्योंकि केनाइन और रूमिनेंट्स में मिडल लोब होता है। अब इसको मजीद कंपेरेटिवली आप देखेंगे कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो है केनाइन का है या रूमिनेंट्स का है, तो इसके लिए आप राइट एपिकल लोब में जाएंगे। राइट एपिकल लोब में अगर आप जाएंगे, इसको अगर मजीद फिशर इसको डिवाइड कर रहा है,
तो ये ल्यूमिनेंस का होगा। अगर इसमें हाफ फिशर नहीं है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये केनाइन का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको एक और हाफ फिशर इसको मधी तो इसमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके राइट एपिकल पार्ट को हम मजीद दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस लोब को हम मजीद दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस पार्ट को हम बोलेंगे क्रेनियल पार्ट ऑफ राइट एपिकल लोब, और इसको हम बोलेंगे कार्डल पार्ट ऑफ राइट एपिकल लोब। क्रेनियल पार्ट ऑफ राइट एपिकल लोब और ये कार्डल पार्ट ऑफ राइट एपिकल लोब, ये इसका क्या होगा मिडल लोब, और ये इसका डायाफ्रामेटिक लोब। अब अगर इसके राइट एपिकल लोब में डिवीजन है तो समझें कि ये रूमिनेंट्स का हुआ, ठीक है। अब ये केनाइन का नहीं हो सकता क्योंकि केनाइन में सिर्फ लेफ्ट में डिवीजन है, राइट में नहीं है, ठीक है। अब राइट साइड पे आपको फिशर हाफ फिशर मिला भी और इसको डिवाइड भी किया, अब मजीद आप इसको कंफर्म करने के लिए आप जाएंगे एक स्पेशल ब्रोंकाई मिलती है जो सिर्फ रूमिनेंट्स में मिलती है और रूमिनेंट्स के एपिकल राइट एपिकल लोब में मिलती है, उसको आप देखेंगे। उस ब्रोंकाई को हम बोलते हैं ट्रेकियल ब्रोंकाई, और ये रही वो ट्रेकियल ब्रोंकाई जो राइट एपिकल लोब में इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये अगर प्रेजेंट रही तो आप कंफर्म कर सकते हैं, आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये रूमिनेंट का, ठीक है। ये ट्रेकियल ब्रोंकाई सिर्फ रूमिनेंट्स के लंग्स में होती है, रूमिनेंट्स के राइट एपिकल लोब में, और बाकी जो दो कॉमन ब्रोंकाइज हैं जो हाइलस से इंटर हो रही हैं, ये राइट लंग से यहां से इंटर हो रही है, ठीक है। ये राइट ब्रोंकाइज और ये आपकी इस तरफ लेफ्ट ब्रोंकाइज, ये दोनों इंटर हो रही है। ये देखें, ये राइट ब्रोंकाई जो यहां से इधर इंटर हो गई, और लेफ्ट आपको इधर मिलेगी, ये रही ये लेफ्ट ब्रोंकाई जो लेफ्ट लंग को सप्लाई करती है, ठीक है, ऑक्सीजन या गैसे सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहां तक आपको कंफर्म हो गई एनाटॉमी कंपेरेटिव, ठीक है। अगर इसमें मिडल लोब एब्सेंट हो गया राइट साइड पे तो आप कहेंगे कि ये इक्वाइन का, ठीक है। और अगर मिडल लोब प्रेजेंट हो गया फिर आप कंफ्यूज आएंगे दो एनिमल, एक रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट, और उनको मतलब ये कंफ्यूजन आप दूर करने के लिए आप राइट एपिकल लोब की तरफ जाएंगे, उसके राइट एपिकल लोब में देखेंगे कि उसमें डिविजन है या नहीं। इसको अगर हाफ फिशर डिवाइड कर रहा है तो समझे कि ये रूमिनेट का है। तो आप क्या कहेंगे कि ये लंग्स किन एनिमल्स के? रूमिनेट के, ठीक है। तो एक और फर्क भी है कि अगर रूमिनेट में भी फिर राइट एपिकल लोब अगर इसका हाफ फिशर कुछ ज्यादा डीप होगा तो समझे कि ये केप्राइन का है, ठीक है। केप्राइन मीन गोल का, लेकिन अगर आप ऑक्स का देखेंगे तो वो इतना कंप्लीट फिशर नहीं है, सिर्फ आप बिल्कुल छोटा सा इशारा है तो आप वो कहेंगे कि वो ऑक्स का है, केटल्स का है। आप यहाँ पे केटल्स का इधर दे मुझे लंग्स से। इसके अगर आप राइट एपिकल लोब को देखेंगे तो आपको राइट एपिकल लोब ये रहा, ठीक है। इसमें आपको डिप्रेशन इतनी डीप नहीं मिलेगी, राइट एपिकल लोब में फिशर इसको इतना डीपली डिवाइड नहीं कर रहा एज कंपेयर टू केप्राइन में। केप्राइन में ये फिशर ज्यादा डीप इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें भी आप रूमिनेंट्स में भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केप्राइन का है या ओवाइन का है और ये केटल का है, ठीक है। और केटल में ये मिडल लोब रहा, ठीक है। ये मिडल लोब, ये राइट एपिकल लोब, ये मिडल लोब और ये डायाफ्रामेटिक लोब, और इस विसरल सरफेस पे आपको ये एसेसरी लोब मिलेगा। और लेफ्ट साइड पे आप देखें ये लेफ्ट एपिकल लोब और लेफ्ट डायाफ्रामेटिक लोब। लेफ्ट एपिकल लोब को ये एक हाफ फिशर मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट क्रेनियल पार्ट ऑफ लेफ्ट एपिकल लोब
और कार्डल पार्ट ऑफ लेफ्ट एपिकल लोब। हमारे पास इक्वाइन के लंग्स है, ठीक है। इक्वाइन को आपने डिफ्रेंशिएट बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो रूमिनेंस और कैनाइन एनिमल से, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको राइट साइड पे मिडल लोब नजर नहीं आ रहा, ठीक है, आपको राइट साइड पे मिडल लोब नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको ये एक छोटा सा ऑफिसर मिलेगा जो इसको लेफ्ट क्रेनियल लेफ्ट एपिकल और लेफ्ट डायफ्रामेटिक लोब में डिवाइड कर रहा है, और इस तरफ भी राइट साइड पे भी एक ऑफिसर आप ऐसे समझें कि मिलेगा जो इसको राइट एपिकल लोब और राइट डायफ्रामेटिक लोब में डिवाइड करेगा। लेकिन इसमें जो एसेसरी लोब आपको नजर आएगा, ठीक है, एसेसरी लोब आप लोगों को नजर आएगा, सिर्फ मिडल लोब आप लोगों को एब्सेंट नजर आएगा। तो जिन एनिमल्स में मिडल लोब एब्सेंट नजर आया समझें कि ये इक्वाइन का लंग है, ठीक है, इक्वाइन के लंग है। तो आप लोग इनको रूमिनेंस और नॉन रूमिनेंस के साथ इजीली कर सकते हो कंपेयर, क्योंकि आप यहाँ पे देखें रूमिनेंस में आपको ये मिडल लोब नजर आया। केटल का दें मुझे, केटल में भी आपको मिडल लोब नजर आएगा, ये रहा राइट साइड पे आपको मिडल लोब नजर आएगा, ठीक है। तो इक्वाइन और केप्राइन या आप लार्ज केटल्स जो रूमिनेंस है, लार्ज एनिमल्स या केटल्स, उनमें आप इस मिडल लोब के बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इक्वाइन। इज इट क्लियर? क्लास इज एंटर। थैंक यू सर।